दोस्तों कशपुरा की महाकाली के बारे में आपने जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने कशपुरा की महाकाली के आपने दर्शन भी किए होंगे, क्योंकि दोस्तों सप्तमी, अठवी, नौवीं और दसवीं ये 3 से 4 दिन आपने प्रतिमा के दर्शन किए होंगे। लेकिन दोस्तों 12, 13 और 14 ये 3 दिन के लिए वहाँ पर पट बंद कर दिए गए थे। जो भी आने वाले दर्शक थे, जो भी देखने वाले थे, पूजा अनुष्ठान करने वाले थे, उन सभी को रोक दिया गया था। सिर्फ समिति के लोग ही उस कथा उस पंडाल में रह सकते थे। दोस्तों आखिर पंडाल के अंदर क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि 12, 13 और 14 पर 3 दिन के लिए वहाँ पट बंद कर दिए गए थे और किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम आपको ऑनलाइन दर्शन करवाएंगे। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, आइए दोस्तों आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और वो उस 3 दिन में ऐसा क्या हुआ था वो दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि उन 3 दिनों में दोस्तों ये हुआ था कि प्रतिमा उस दिन खंडित हो गई थी। 12 तारीख को हो सकता है प्रतिमा खंडित हो गई थी, इसलिए दोस्तों इन्होंने 3 दिन का समय लिया, क्योंकि ये प्रतिमा बीच से टूट चुकी है, गिर चुकी है, आपने खुद देख रहे हैं स्क्रीन में, और प्रतिमा खंडित हो चुकी है माता रानी की। इस वजह से 3 दिन के लिए पट बंद कर दिया गया। जब समिति के लोगों से वहाँ पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया, क्या जवाब दिया आप सुनिए। माता रानी का पाठ चल रहा है, 15 तारीख के स्वागत है और 16 तारीख का माता रानी का जुलूस है, तो उसके लिए क्या हमारे संत वगैरह जो पंडित जी वगैरह हैं उन्होंने बोला कि माता रानी का एक पाठ होना। तो दोस्तों आपने सुना, समिति के लोगों का कहना यह था कि वहाँ पर 3 दिन के लिए हम पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं चला था। एक्चुअली दोस्तों प्रतिमा खंडित हो चुकी थी तो नई प्रतिमा बनाई जा रही थी, क्योंकि दोस्तों 3 दिन बाद माता रानी का जो स्वरूप था, चेहरा था, सब कुछ चेंज हो गया। पूरी एक जो माता पहले थी वो नहीं रह गई, अब दूसरी नई माता आ गई थी। और तभी कहा जा रहा था कि मतलब वीडियो जो वायरल हुए थे, लोग कह रहे थे कि माता रानी का चेहरा बदल गया, माता रानी ही बदल गई है। एक्चुअली में दोस्तों प्रतिमा खंडित हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर नई प्रतिमा बैठाई गई और फिर उसके बाद माता रानी का विसर्जन किया जाना है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मूर्ति गिरी तो गिरी क्यों। अब आपके मन में ये सवाल का जवाब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर मूर्ति गिरी तो गिरी क्यों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि मूर्ति गिरने की वजह क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा वजह ये होती है दोस्तों कि अगर प्रतिमा खड़ी है और उसके ऊपर माला, चुनरी और भी चीज़ें जो होती हैं, जो हार लेके आते हैं, वो हम चढ़ाते हैं दोस्तों, उस पर ज़्यादा वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वजन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण आप देखेंगे कि मूर्ति धीरे धीरे झुकती जाती है। आपने बहुत सी प्रतिमाओं को देखा होगा, वो धीरे धीरे मूर्ति झुकती जाती है, कोई ज़्यादा वजन होने के कारण। अब जो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा लकड़ी का बनाया जाता है। दोस्तों मूर्ति की एक लिमिट होती है कि हम इतना वजन इसके ऊपर ला सकते हैं, और आपने अब 70 से अधिक वजन ला दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि मूर्ति खंडित हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वक्त लाइक कर देना और अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कि आखिर क्या वजह थी, क्या हुआ था उस दिन, ऐसा क्या हो गया था जिससे कि मूर्ति खंडित हो गई थी।